शिव कह रहे हैं ऐसा नहीं। वृंदा देवी दो कारण हैं जिसके कारणवश घर में बेटे का जन्म होता है और उस जन्म का भाग माता पिता को प्राप्त होता है। दोनों बातों को अच्छे से समझ लीजिएगा कि घर में एक बेटा एक बहू आपकी सेवा कर रहे हैं और घर में अगर बेटा बहू आपकी सेवा नहीं कर रहे हैं तो उसका फल क्या है। माता वृंदा ने कहा कि माँ जब दूध पिलाती है, माँ अपना रक्त दे देती है, तो फिर बच्चे मुख क्यों मोड़ लेते हैं। शंकर जी कह रहे हैं सुनो वृंदा, ये गौ सेवा का भाग है। धेनु मानस में, गरुण पुराण में विष्णु संहिता में सुंदर बात कही गई है, यदि आपने गौ माता को रोटी दी है, प्रेम से सहलाया है, ताजा भोजन जानते हो, घर में रोटी बनी, पहली रोटी किसकी बनती है? गाय की। रोटी बनी, सबके जीमने से पहले रोटी गाय को दी है, और मान लो वही रोटी फ्रिज पे रख दी, फिर डब्बे पे पड़ी रही, सब ने जीम लिया, तब पन्नी में पॉलिथीन में टंगी रही, शाम को 4-5 बजे गाय आई, तब उसके मुंह में रोटी जब ठंडी कल्ली बासी सब हो गई तब उसके मुंह में दी, उसका फल और ताजी रोटी का फल जरा ध्यान से देख लीजिएगा, समझना इस कथा को बहुत ध्यान से। पूर्व के प्रारब्ध के अनुसार हमारे बच्चों का जन्म होता है वृंदा, पूर्व के प्रारब्ध के अनुसार हमें हमारी संतान प्राप्त होती है। अगर किसी गौ माता की सेवा करी है, गाय को एक रोटी दी है, गाय को चारा दिया है, गौ माता की सेवा करी है, किसी की सेवा में अगर तुम लगे हो, किसी जीव को, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो कौवा है, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो पशु हो, किसी जीव को अगर तुमने ताजा भोजन दिया है और उसकी सेवा प्रेम से करी है, तो तुम्हारे घर में जो बेटा जन्म है, तुम्हारे घर में जो बहू आती है, वो तुम्हारी सेवा में तल्लीन रहती है महाराज। और अगर तुम्हारे दरवाजे पर गाय आई, तुम्हारे दरवाजे पर जीव आया, तुमने एक बार रोटी दे दी और रोटी देने के बाद दूसरी बार उसको डंडा लेकर भगा दिया, तुमने गाय को धप मार कर भगा दिया, गाय दरवाजे से भूखी चली गई, कहीं तुमने डंडा मार दिया, कहीं उसको अपशब्द कह दिए, कहीं चिल्ला के बोल दिए, हाओ अभी तो दी थी रोटी, फिर आ गई, अब मत दे, क्या मना कर रही हूं ना, अंदर रख दे छोरा, बार बार रोटी देगा क्या, अभी दी तो थी, और घर में चिल्ला चोट करे बड़बड़ाए, गाय को देखकर जब एक बार दे दी ना, बार बार देंगे क्या, जान दे उसको, या डंडे से भगा दे, या उसको पूंछ दबा के भगा दे, पानी डाल दे, जा उसको जो अंदर घर में गाय दरवाजे पर खड़ी है और एक बार रोटी देने के बाद तुम्हारा मुख बड़ 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 करे, समझ लेना ऐसा ही बेटा और ऐसी ही बहू तुझे मिलने वाली है, जब तुझे रोटी देंगे तो बड़ 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 वही संबंध। इसलिए होशियार हो जाओ खरगोन वालों, वो क्या बोलते, सावधान इंडिया, सावधान। फिर वही वाली बात आ गई, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दान। क्यों भटके भाई, किस लिए भटक रहा?